जानकारी लेंगे। ईमानदारी की प्रतिपूर्ति इस पाठ में, जहाँ हमारे देश के द्वितीय पंत प्रधान लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त पुलिस मंत्री के पद पर थे और उस पद पर रहते हुए उनके पास सरकारी गाड़ी थी जिसका नाम था इम्पाला शेवरलेट और यह गाड़ी उनके दोनों बेटे अनिल और सुनील को बहुत ही ज्यादा पसंद थी। उन्हें वे मन ही मन सोचते थे कि कब हम इस गाड़ी की सैर करेंगे, कब हमें इस गाड़ी की सैर करने के लिए मिलेगी, लेकिन उनके पिताजी इस गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाते थे। उनका यह मानना था कि सरकारी गाड़ियों का या सरकारी पद का उपयोग हमारे निजी जीवन में नहीं करना चाहिए, इसीलिए मन में होते हुए भी यहाँ पर अनिल और सुनील कुछ भी नहीं कर सकते। एक दिन क्या होता है बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री किसी काम के लिए दूसरे गांव या दूसरे शहर चले जाते हैं। यह मौका देखकर अनिल और सुनील के मन में विचार आता है, क्यों ना हम हमारे मित्र के घर जब खाना खाने जा रहे हैं तो आज रात हम यही इम्पाला शेवरलेट लेकर जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने यह अगला दिन कि अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी निकालो। ड्राइवर ने भी गाड़ी निकाल कर पोस्ट पे लाकर खड़ी कर दी। तब सुनील जी ने उन्हें बताया कि तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है, हम आज मैं ही गाड़ी चलाऊंगा। अनिल शास्त्री जी ने गाड़ी चलाने में असमर्थता दिखाई लेकिन सुनील शास्त्री जी गाड़ी चलाने लगे। मानो उनके बदन में झुरझुरियां निर्माण होने लगी, उन्हें बहुत आनंद होने लगा, कितनी अच्छी सवारी है इस गाड़ी की। वे उनके मन में इतना आनंद निर्माण हो गया कि ऐसी गाड़ी की सवारी हर रोज हमें मिलनी चाहिए, लेकिन पिताजी की डर से वे कुछ भी नहीं कर सकते। मित्रों के घर जाने पर बातों बातों में वक्त कैसे बीत गया उन्हें भी पता नहीं चला और बहुत देर हो गई। जब वे अपने घर के सामने आए तो देखा कि बाबूजी आ चुके थे और उन्होंने गार्ड को आज्ञा दी कि गाड़ी दूर ही लगाओ और सैल्यूट मत करना, क्योंकि सैल्यूट करते ही उनके जो जूतों की आवाज से पिताजी को पता चल जाएगा कि हम लोग कहीं से आ रहे हैं। और उन्होंने आते ही दरवाजे से आकर नहीं आए, वो जो हमारा खाना बनाने का किचन होता है वहीं से वे अंदर आए। माँ ने पूछा कहाँ से आए हो, तब उन दोनों ने माँ को चुप रहने का इशारा किया। माँ चुप हो गई और दोनों चुपके से जाकर अपने रूम में जाकर सो गए। उन्हें ऐसा लगा कि मानो उन्हें कुछ भी पता नहीं है। यह सब आप सुबह तक सब क्या हो जाएगा कि सब भूल जाएंगे कि क्या हो रहा है। यह सब उन्हें लगा और वे अच्छी गहरी नींद में सो गए। अगले दिन सुबह 5 बजे जब उनके रूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनील जी को सुनाई दी तो उन्होंने जोर से कहा, अरे मैं कल रात बहुत देर से आया हूँ और अब मैं सोना चाहता हूँ, मुझे कोई भी या तब मत करो। लेकिन दरवाजे की खटखट बदस्तूर जारी थी, बदस्तूर यानी लगातार। तो उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने देखा कि उनके पिताजी उनके सामने खड़े थे और उन्होंने सुनील शास्त्री जी को अपने नीचे टेबल पर चाय के लिए आने के लिए कहा। सुनील जी शास्त्री जी को लगा कि मेरे पिताजी को कुछ किसी भी बात का पता नहीं है, इसीलिए जल्दी जल्दी तैयार होकर अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने बुलाया, इसलिए चाय के मेज पर वहां जाकर बैठ गए। तब शांति से सुनील शास्त्री जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि जाओ ड्राइवर को बुला कर ला। तब सुनील शास्त्री जी ने ड्राइवर को बुलाया और लाल बहादुर शास्त्री ने ड्राइवर से प्रश्न किया, कल गाड़ी कितने किलोमीटर तक चली है, बच्चों ने जो गाड़ी लेकर गए थे वो कितने किलोमीटर गाड़ी चली है।
गार्ड ने उस ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी 1400 किलोमीटर चली है, तो प्रति किलोमीटर 7 पैसे के हिसाब से उस 1400 किलोमीटर चली गाड़ी के पेट्रोल के पैसे अपने निजी सचिव सहायक को देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा